थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहूँगी? आप बताए, आप क्या जानना चाहेंगे? सब आपने देख ही लिया जो बताने का था। गाना बहुत अमेजिंग बनाया है अल्ताफ जी ने, और जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा ना ये फिल्म का गाना है क्या। सो इज लाइक नहीं, ये हमने एक सोलो गाना बनाया है एंड वी आर डूइंग दिस, एंड बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड देन असलम के साथ मैं बहुत टाइम से पहले से काम करना चाह रही थी, एंड व्हेन ही केम अप विद दिस आई जस्ट इमीडिएटली सेड अ यस। व्हेन आई केम टू अंगद इज माय बेस्ट फ्रेंड, सो आई सजेस्टेड हिम, ही रियली लाइक द सजेशन एंड ही मूव्ड ऑन विद इट। सो या, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि बहुत डिफरेंट म्यूज़िक वीडियो है, और ऑफकोर्स असलम जो है वो बहुत ही अच्छे कमाल के डायरेक्टर हैं। तो जब उन्होंने मुझे सॉन्ग सुनाया तो मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आया, और कंसेप्ट जो था वो हम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि टेलीविजन में हम लोग बहुत एक ही टाइप की चीज़ करते हैं, तो वो एक एज एक्टर बहुत डिफरेंट चीज़ है कुछ करने के लिए, अपने आप को एक डिफरेंट प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा और ऊपर सारा थी और असलम, हम लोग एक बहुत अच्छा टीम वर्क था, तो मुझे लगा था कि ये निकल के बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि अगर आपकी टीम वर्क बहुत अमेजिंग हो, पूरा बॉन्डिंग अच्छी हो, तो डेफिनेटली गाना बहुत अच्छा निकल के आता है। बहुत ही गंभीर माहौल था शूटिंग के वक्त, क्योंकि हाँ, हम लोग इस वीडियो को बहुत ही तरीके से शूट करना चाहते थे, क्योंकि जब इस तरह का वीडियो बनता है तो सबसे ज़्यादा डर यही लगता है हमें कि किसी भी तरह से ये चीज़ चीप ना लगे, गंदी ना लगे, क्योंकि एक सेकंड लगता है कोई भी ऐसा शॉट देखने में जिससे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो बेहतरीन नहीं है लेकिन थोड़ी चीप लग रही है। लेकिन जब आप कोई एक नॉर्मल डांस वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरह का ही वीडियो होगा। यहाँ पर क्योंकि बॉडी शो होता है, एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है, सही एक्सप्रेशंस आना बहुत ज़रूरी होते हैं, एडिटिंग, प्रोडक्शन वैल्यूज, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो सबसे अच्छी बात यह थी कि अंगद की और सारा की केमिस्ट्री जो इतने सालों से इनकी बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना नहीं पड़ा, जबकि हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है इस वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा, जिससे लोग ये कहें कि अरे ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा सेंशुअल हॉट बोल्ड वीडियो है। तो इवेंचुअली बस डर इसी बात का था कि लोगों को कोई चीज़ ऐसी ना लगे कि वो गलत हो। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, भले ही वो फैमिली के साथ क्यों ना देखे, इसकी तारीफ ज़रूर करेगा, इसके अंदर कोई बुराई करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये शूट एक दिन में कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा, और हाँ, मतलब ये अच्छा एक्सप्रेशन था आपका, मुझे खुशी हुई, कमाल वाला जो लुक था। तो बेसिकली हमें इसको एक दिन में ही शूट करना था, और क्योंकि सारा वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड अंगद वॉज वेरी कोऑपरेटिव, बोथ ऑफ देम वर ऑन टाइम ऑन सेट एंड वी हैड दैट बॉन्डिंग, जिसके वजह से क्या है कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर वाला माहौल नहीं था। ये उनको भी पता था कि म्यूज़िक वीडियो है, हमें एक दिन में उड़ाना है, डेट नहीं थी, शी वॉज वेरी बिजी, ही वॉज बिजी, तो हमको किसी भी तरह इसको एक दिन में निपटाना था। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये एक दिन का वीडियो है, ये लगता है कि कम से कम दो या तीन दिन लगे होंगे, क्योंकि इसका जो लुक है वो फिल्म का लुक है। या वीडियो अगर आप देखेंगे फिर से दोबारा देखेंगे तो एक फिल्म की फील आएगी, गाने की भी वही फील है और वीडियो की भी वही फील है। ऑनेस्टली वर्क इज़ फन फॉर मी, और मैं वही चीज़ करती हूँ जिसमें मुझे मज़ा आए करने में, अदरवाइज मैं स्ट्रेस नहीं लेती अपने सर पे कभी भी। सो ये काम करते वक्त ऐसा लग रहा था वी वर पार्टी, वी वर हैविंग फन, हम मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। कैसे शूट हो रहा था ये असलम ने इतने ईजीली इसको निकाल दिया कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला, और एंड शॉट में तो हमने कहा ख़त्म हो गया, रियली। सो इट वॉज रियली ऑसम। सॉन्ग किसी अच्छे लेबल से अगर आता है तो उसका उसकी रीच ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली लेबल बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर इसी के यूट्यूब के सबके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो उतनी ज़्यादा रीच होगी, उतना ज़्यादा होगा। तो ये सॉन्ग ऑलरेडी एक रोमांटिक
मूड वाला सॉन्ग है, बहुत एकदम दिल से बनाया हुआ सॉन्ग है। इसको लिरिसिस्ट आनंद जी है इसको जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो हम वही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। और असलम भाई के साथ मैंने बहुत सारे और किया है, बहुत सुपर एक से एक वीडियोज़ हुए हैं हमारे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है हर वीडियोज़ का। तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब म्यूज़िक एंड वीडियो की। तो हम यही सोच रहे थे कि कुछ किसी अच्छे लेवल से ही आए, तो हम तो जी म्यूज़िक से हमने इसको रिलीज़ किया।